हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। दोस्तों अब जो आपकी पेमेंट है अक्टूबर माह की आपके खाते में रिलीज हो चुकी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपकी जो अगली किस्त है यानी कि थर्ड क्वार्टर की पेमेंट है वो कब तक आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि आपकी जो पेमेंट है कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो पेमेंट है दोस्तों अब आपकी जो पेमेंट है वो दोस्तों लगभग दिसंबर के माह में आपकी क्रेडिट की जाएगी। इसका दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ एक कैलेंडर है जो कि दोस्तों समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसमें दोस्तों आपकी जो पेमेंट की डिटेल है उसमें पूरी बताई गई है। ये दोस्तों जो पेमेंट डिटेल होती है ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपकी पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। इसी के थ्रू दोस्तों आप अपनी जो है पेमेंट चेक कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम कैलेंडर की ओर। दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वार्षिक गतिविधि कैलेंडर। यहां पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि 2023 और 24 का ये कैलेंडर है। दोस्तों यहां से देख सकते हैं अप्रैल यानी अप्रैल के महीने से दोस्तों आपका जो सत्र है वो स्टार्ट होता है और दोस्तों ये आपका 2024 तक चलेगा। तो यहां से देख सकते हैं आपकी जो पेमेंट है वो दोस्तों अक्टूबर माह की आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अब दिसंबर माह में हमारी पेमेंट आएगी या फिर नहीं आएगी। ये दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ का जो दिसंबर माह है, आप दिसंबर माह में आपकी जो पेमेंट है वो दोस्तों आपकी 30 तारीख में यहाँ पर दिखाई गई। यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 तारीख है, तृतीय तिमाही थर्ड क्वार्टर वृद्धावस्था पेंशन वितरण। इसमें दोस्तों आपकी जो पेमेंट है वो दिसंबर माह में 30 तारीख से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों आपकी जो पेमेंट है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब हमारी पेमेंट 4500 रुपये आएगी या फिर दोस्तों 1500 रुपये महीना आएगी। तो इसके बारे में दोस्तों अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें आपको बताया गया हो कि आपकी जो अगली किस्त है वो दोस्तों 4500 रुपये या फिर दोस्तों 1500 रुपये महीना आए। ये दोस्तों जब क्लियर होगा जब गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उसमें आपको बताया जाए कि आपकी जो पेमेंट है आने वाली थर्ड क्वार्टर की जो कि 30 दिसंबर से ट्रांसफ़र होगी वो 4500 रुपये यानी कि 1500 रुपये माह आएगी। तो इसका अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसका कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर अवगत कराऊँगा। तो आप इस वीडियो में जान गए होंगे छोटी सी वीडियो में कि आपकी जो नेक्स्ट पेमेंट है वो तृतीय तिमाही जो थर्ड क्वार्टर की पेमेंट है वो दिसंबर 2023 यानी कि जो आने वाला दिसंबर है इसमें दोस्तों आपके ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी और ये दोस्तों आपकी जनवरी फरवरी तक ट्रांसफ़र होती रहेगी क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर जो पेंडिंग हो जाता है PFMS से, इसलिए दोस्तों उनकी पेमेंट यहाँ पर लेट आने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी जो पेमेंट है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस कैलेंडर को डाउनलोड करना तो आप ऑफिशियल समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी। वीडियो में पसंद आई इन्फॉर्मेशन को वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।